हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रिवर फ्रंट फ्लावर शो में, तो चलो चलते हैं। तो अहमदाबाद में है, आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा लगता है, तो चलो चलते हैं। कर सकते हैं यहाँ की, और वैसे हम टिकट लेने जा रहे हैं, यहाँ की पार्किंग है अंदर, टिकट की बुकिंग, तो यहाँ से टिकट लेने पड़ते हैं। 150 रुपये में 4 लोगों का होता है। और यहाँ चल रहा है लाइट शो। पुरु के पापा लेने गए हैं टिकट हमारे लिए, क्योंकि मैं, रक्षिता, इसके पापा और आए हैं चिकू भैया, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। पहले टिकट आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे अंदर, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं आपको अंदर से कैसा लगता है। 50 रुपीज पर पर्सन है ना? हाँ, तो ये रहा 50 पर, ये रहा इसका बोर्ड। शनिवार को ज़्यादा है, हाँ सैटरडे उसको, शनिवार न, अच्छा सैटरडे संडे वीकली ऑफ होता है ना, वीकेंड होता है, इसलिए ज़्यादा है। तो आप इसमें देख लीजिएगा आने से पहले, और बाकी बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको अंदर पता चलेगा कैसा है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में रेटिंग का भी बताऊंगी कि अंदर की रेटिंग मैं कितनी देती हूँ 10 में से, क्योंकि बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अंदर जाके देखते हैं कैसा है, क्योंकि बहुत सी मैंने वीडियो देखी भी है यहाँ की, उसमें मुझे अच्छा लगा है। तो अब अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। टिकट लेके हमारे लिए है, तो यहाँ से जाना है अंदर। अब हम जा रहे हैं अंदर, तो देखते रहिए। कोई आया ही होगा। आज फ्रेंड्स यहाँ पे कोई आया हुआ भी है, यहाँ से घुस रहे हैं चेकिंग। इसके बाद आपको अंदर जाके हम दे देते हैं, टिकट फाड़ के देते हैं आधा, फिर आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। फंस चुका हमारा टिकट, मतलब हो गया हमारा टिकट चेक। अब ये है यहाँ से फ्लावर शो जाने का रास्ता, तो हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। मंदोरी कितना अच्छा लगा है बाबू, ये लाइट बंद हो रही, चालू हो रही है ना? ये तो देखिए मजा आ गया। ऐसे बच्चों को लाओगे आप, तो वो भी बच्चे देख के खुश होंगे। लाइटनिंग वगैरह की अच्छी लग रही है ना, तो बच्चों को और मजा आएगा। मेरे बच्चे तो देख देखे वाओ ब्यूटीफुल, मजा आया। यहाँ से लोग फ्लावर्स वगैरह भी लेकर जाते हैं अंदर से, तो आपको लंबा चलना पड़ेगा थोड़ा, आगे जाकर मेन गेट दिखता है। हम तो आज कुछ पहली बार आए हैं, तो आगे जाकर देखना पड़ेगा कितना लंबा चलना पड़ता है। आज पानी की बोतल जरूर लाए अगर आप बच्चों को आ रहे हो तो। खड़ी थी, ये भी अच्छी बात है, एम्बुलेंस भी खड़ी थी। तो यहाँ से जा रहे हैं हम अंदर, फाइनली हम पहुंच रहे मेन गेट की तरफ। यहाँ पे मिशन का लगा रखा है इन्होंने। नया भारत लिखा क्या है, नया भारत ही लिखा है, स्पेस पावर नया भारत लिखा। लाइट मोड कितना मस्त लग रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर, बना हुआ है, मस्त लग रहा है। ये भी पूरा फ्लावर से बना रखा है, देखो मेन गेट बना रखा है फ्लावर, फ्लावर से। फ्लावर को देखो मेंटेन करते हो गया, इससे भी नहीं है। वही तो, यही तो इनकी स्ट्रेटजी है बाबू। यहाँ पे 2024 का भी लिखा है फ्लावर शो 2024, बहुत बढ़िया बनाया है। मेन गेट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से और देखते। चलो तो फ्रेंड्स अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है माय सिटी माय प्राइड, वो भी एकदम गुलाब से फ्रेश फ्लावर्स लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो फ्रेंड्स, ये सब पौधे लगे हुए हैं, अपन ले जाना चाहे तो ले जा भी सकते हैं यहाँ से। कितना सुंदर लिखा है, वाह। ट्रेन भी जा रहा है, पास में एयरपोर्ट भी है, रखा है। ये देखो एलिफेंट, देखो वेलकम।
दिखा रहा है कि अर्थ, और ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स फ्लावर्स पूरे इसमें फ्लावर्स ही है, तरह तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर देखने को मिलेंगे। रखा इसका कौन सा है फ्लावर्स, नाम लिख रखा है इन्होंने। जमन जमा से ड्रोन वगैरह से लेते होगा ना तो दिखता होगा ये क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ लिखा हुआ होगा भाई का फोटो। फोटो नहीं है, पुतला है। जल्दी से निकल गया, मिस्टेक हो गई मेरे से। स्टैचू है, स्टैचू सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू। ये भी बताओ कैसे मेंटेन कर दूंगा, फ्लावर से बनाया। हाँ वही तो, फ्लावर से ग्रास वगैरह सब मिला मिला कर बनाया, पर मेंटेन कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को। ये जो भी बना हुआ है सब फ्लावर से बना हुआ है, पता नहीं लोग इसको मेंटेन कैसे करते हैं, पर एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है फ्लावर्स में, और एकदम देखने में इतना सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है। वो तो आपको वीडियो में दिखेगा ही कैसा है। पिकॉक वगैरह भी मस्त बना रखे ऐसे है ना, सब चीज टोटल मस्त लग रहा है। वेलकम वाला भी पूरा फ्लावर। हाँ ये देखो फ्रेंड्स, तितली उड़ रही है फ्लावर्स के ऊपर, आ रही जा रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा झूला है यहाँ पे, ये झूला किसने बनाया? अच्छा इसके लिए ताकि स्विंग होता रहे ना, दिमाग भी लगाया इसके लिए ना इन लोगों ने। अच्छा मैं मजा आया एकदम देखने में। ये पूरा पिकाचू। ओह वाओ पूरा पिकाचू देख, पूरा पिकाचू। बच्चों के तो सुपर मजे हो गए बाबू, ये कार्टून देख। ये क्या चीज बनाई है ये फ्रेंड्स? देखो साबरमती का ब्रिज, देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये है साबरमती वाला ब्रिज, अटल ब्रिज नाम रखा है इसका। हाँ ये अटल ब्रिज है, मैंने भी आज पहली बार ही देखा, और देखो कितना सुंदर लग रहा है लाइट से है ना, पूरी नदी के ऊपर बना हुआ है ना, नदी है ना ये साबरमती नदी। अच्छा देखो मस्त लग रहा है वो एकदम, व्यू तो देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। गुजराती मूवी को भी शूटिंग हुई है। अच्छा चारों तरफ से गेट भी दे रखे होंगे ना, वो कैसा बनाया देखो भाई। हाँ और उन्होंने बनाया कैसा होगा सब चीज़ें ना मेंटेन करके। वाओ लाइट्स भी कुछ दिखता है क्या अंदर? ये क्या है? अच्छा मिशन का, मिशन इंडिया ना, इसरो वाला। हाँ वाह ये चीज भी अच्छी बनाई इन्होंने ना, ये चीज अपनी सक्सेसफुल गई थी इसलिए ना, इसलिए उन्होंने बनाई दिया।
इधर फ्रेंड नर्सरी भी रख रखी है कि जिस जिसको कोई पौधा अच्छा लग रहा है तो वो यहाँ से ले जा सकता है। इसके लिए इधर नाम भी लिख रखे इसलिए कि जिसको जो पसंद है वो यहाँ क्या बनाया। देखो पूरा ये देखो ये क्या बनाया, देखो गिनो 1 2 3 4 5 ठीक गिनो। ये क्या है बाबू? ये वेस्ट जो होता है ना इलेक्ट्रिकल आइटम उससे बना। अच्छा उनसे बना हुआ है अच्छा। बेटा रूम में देखो कितनी सारी नई नई चीजें है, देखो देख वाओ वेस्ट मत है। अच्छा वो ब्रिज दिखाई दे रहा कितना मस्त है। हां मिसाइल आइए आइए अपन यही तो मैंने यूनिक चीज देखी है ना। हाँ ये भी सब ऐसी टाइप से बना रखा है ना कलरफुल आगे। वाओ सब ये तो उसका दिखता है आयरन का ना। फ्रेंड्स यहाँ पे खाने का भी बना रखा है कि जो खाना चाहे यहाँ पे नाश्ता करना चाहे तो वो नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे भी है, लोग बैठे भी है वैसे खाने के लिए यहाँ पे, तो आपको जो इच्छा करे आप यहाँ से खा भी सकते हो। पर ये है कि यहाँ कॉस्टली मिलेगा, पर जो खाना चाहे वो खा सकता है जिसकी इच्छा। ये सब लोग लेके जाते हो ना कंपनी वाले, ये सब लोग पॉट्स वगैरह रखने के लिए, सब तरह के पॉट्स हैं यहाँ पे। ये सब प्लांटर का वो दिखता है सब सामान कैसे। इसके लिए यहाँ से एंट्री उसकी, यहाँ पे भी देखो कितना सुंदर बना रखा है, साथ में फाउंटेन भी चल रहा है आगे। ये देखो वाओ कितनी यूनिक यूनिक चीज़ें बना रखी ना बाबू यहाँ पे। बाहर से जो आते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो अहमदाबाद में नहीं देख है उन लोगों के लिए अच्छा है कि यहाँ पर एक बार विजिट करें तो उनको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। तो चलो चलते हैं अब हम। रेट लगा रखी है देखो आप, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्किंग वाले आते हैं, पार्किंग भी इतनी बड़ी बनाई है तो देखिए आप। अभी तो चालू हुई नहीं है पर थोड़े टाइम में हो जाएगी। हम देखकर पूरा तब आपको रेटिंग बताते हो कैसे। बाबू 10 में से कितना देना चाहोगे इसको? 10 में से इसको हम दे सकते हैं 10 में से 10, क्योंकि बहुत मेहनत किया हुआ है इन लोगों ने। मेहनत बहुत है काम और इनका अच्छा मेंटेन रखा है, सब कुछ मेंटेन रखा है ब्रिज में और सब कंप्लीट है एक नंबर। तो चलो बाय बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, लेट भी हो चुके हैं हम थोड़ा, तब हम जा रहे हैं घर। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गुड नाइट।